नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्यचरण कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स न्यूज़, सच और कुछ नहीं। आइए आज की ताजा खबरों पर नजर डालते हैं, बनी रहिए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा किया गया लोकार्पण। सिद्धार्थ नगर जनपद सिद्धार्थ नगर के कपिल वस्तु पिपरहवा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में दो दिवसीय बौद्ध की प्रासंगिकता की संगोष्ठी के प्रथम दिन की गोष्ठी के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार रहे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा किया गया लोकार्पण। सिद्धार्थ नगर जनपद सिद्धार्थ नगर के कपिल वस्तु पिपरहवा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में दो दिवसीय बौद्ध की प्रासंगिकता की संगोष्ठी के प्रथम दिन के गोष्ठी के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार रहे। अध्यक्षता डॉक्टर अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर, अध्यक्ष कुशीनगर भिक्षु संघ, मुख्य मंदिर कुशीनगर उदय प्रताप सिंह, कुल सचिव सुशील कुमार त्रिपाठी, विशेष सचिव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र सुरेंद्र कुमार दुबे, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा को गौतम बुद्ध की प्रतिमा देकर स्वागत अभिनंदन किया गया एवं तत्पश्चात डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के भविष्य की योजना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अवगत कराया गया। समय को देखते हुए मुख्य अतिथि डॉ दिनेश शर्मा द्वारा मंच की ओर अभिवादन करते हुए आग्रह किया गया। मंच संभालते हुए डॉ दिनेश शर्मा द्वारा इस बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अपनी सहमति जताते हुए बताया कि अब तक जो भी 170 करोड़ रुपए इस केंद्र को आवंटित किया जा चुका है, हम प्रयास करेंगे कि इसको 200 करोड़ तक अगर जरूरत पड़ी तो पूरा कराने का आश्वासन देते हैं। यहां तक कि कुलपति द्वारा अवगत कराया गया 5 एकड़ जमीन की कमियां जो बताई गई है, उसे भी हम पर्यटन विभाग से बौद्धिक केंद्र में दी जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा सिद्धार्थ नगर के विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाए और यहां जो भी शिक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वह हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से पूरा कराने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो जो भी लागत अनुमानित होगा उससे अधिक भी हम बजट बनवाने का काम करेंगे। वैसे सिद्धार्थ नगर में कई इंटर कॉलेजों में डिग्री कॉलेज में जो भी कमियां थी वह चाहे प्रोफेसरों की या सब्जेक्ट की हो, उसे हमने पूरा किया है। जो आने वाले 70 साल से नहीं हो पाया आजादी के बाद से उसे हमारी सरकार ने उस कमियों को दूर किया है। गणित, विज्ञान, इंग्लिश जैसे जो भी सब्जेक्ट जनपद के कॉलेजों में नहीं हो पा रहे थे उसे हमने पूरा कराया है और 2 ITI कॉलेज हमने जनपद सिद्धार्थ ने दिया है इतवार डुमरियागंज में, जिसका कार्य जल्दी प्रारंभ होगा और हो रहा है। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि सिद्धार्थनगर को और भी डिग्री कॉलेज ITI कॉलेज दे सकूं। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि शोहरतगढ़ विधायक अमर सिंह चौधरी, सदर विधायक श्याम धनी राही, इटावा विधायक सतीश द्विवेदी उपस्थित रहे। वही जनपद सिद्धार्थनगर की जिला अधिकारी कुणाल सिल्कू, पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक मुन्नालाल, क्षेत्राधिकारी दिलीप कुमार, SI सदर शमशेर बहादुर सिंह कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सका और सकुशल कार्यक्रम संपन्न रहा। समय में थोड़ी विलंब माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा विलंब 1 घंटे 15 मिनट रहा, जिससे कार्यक्रम में थोड़ा विलंब होना पड़ा। SI जोगिया दिनेश चंद चौधरी, SI उसका बाजार अनिल प्रकाश पांडे, SI कपिल वस्तु अपने पुलिस बल के साथ भारी मात्रा में मौजूद रहे। ADM सिद्धार्थ नगर, उप जिला अधिकारी इतवा त्रिभुवन प्रसाद, तहसीलदार सिद्धार्थ नगर, तहसीलदार सदर सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बने, इसके लिए अभी इसके 22 विभागों में हमने 22 पद सा संयुक्त आचार्य के तथा आचार्य के 22 पद, सहायक आचार्य के 44 पद स्वीकृत किए हैं और साथ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र की स्थापना सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में हो, ये पहला भारत का और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के रूप में जिसको
बनाने का निश्चय किया है। इसको इसके लिए इस विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म दर्शन, बौद्ध धर्म दर्शन और जैन धर्म दर्शन के लिए यहाँ पर अध्ययन की व्यवस्था होगी और साथ में भारतीय भाषाओं में संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, नेपाली है और भारतीय अंतर भाषाओं में भाई है, तिब्बती है, सिंगली है, कोरियाई है। इन भाषाओं को पढ़ाने का भी उपक्रम इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा। जल्दी ही विश्वविद्यालय के आसपास की सड़कों का निर्माण, इसको परिवहन के साधनों से जोड़ने का उपक्रम और विश्वविद्यालय को दो बसें दे भी रहे हैं कि वो उन बसों से भी विद्यार्थियों को लाने ले जाने का कार्य प्रारंभ करें। हमारा मकसद ये है कि जो विभिन्न प्रकार के जैनिज्म है, हिंदुज्म है, बौद्धिज्म है, इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इनके मानने वाले लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शोध कार्य करें और विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों में दुनिया के कई देशों के लोग इस विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की जो प्राचीन व्यवस्था और विरासत है उससे वो परिचित हो सके। इसके नाते आज इस कार्यक्रम में मैं आया था, कुछ जगहों का उद्घाटन भी करना था। दीनदयाल शोधपीठ भी हमने इस विश्वविद्यालय को दी है और इस विश्वविद्यालय के आगे इसके विस्तार की कार्य योजना द्रौपदी जी तैयार करके दे रहे हैं, जल्दी उसे हम लागू करेंगे। देखिए ये पकड़े गए हैं, ये एक सकारात्मक चीज है। पहले होती थी पकड़े नहीं जाते थे, ये दुखद बात थी। अब मैंने कहा ना कि आपको नकल में नकल कराने वाले माफिया तत्व पकड़े हुए जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एसटीएफ तो नकल कराने वाले मुन्ना भाई टाइप के लोग जिनको आप नाम से संबोधित कर रहे हो उनको कैश करने, गिरफ्तार करने में भय पैदा हो, ये इस प्रदेश के लिए सुखद स्थिति है। एक बिगड़ी हुई जर्जर व्यवस्था के बीच में हम लोग ने काम प्रारंभ किया है और आपको बताने में मुझे गर्व की अनुभूति कि पिछले साल हमारा जो नकलविहीन परीक्षा हुई थी, बंबई के सिने जगत के लोगों ने आकर उसको पिक्चर बनाई, चीट पिक्चर, पूरा चीट जो पिक्चर बनी है, पूरा हमारी जो नकलविहीन परीक्षा हुई थी बोर्ड की पिछले बार हुई थी, अब की भी हमने हर जिलों में नकलविहीन परीक्षाओं इसके लिए स्वयं दौरा किया है और आज भी यहाँ के जिला प्रशासन को अपने DIS को अपने अधिकारियों को हिदायत देकर जा रहा हूँ कि यहाँ की नकलविहीन परीक्षा हमारी प्राथमिकता है माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर पर भी और विश्वविद्यालय के स्तर। सर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, बीजेपी CBI का प्रयोग कर रही है गठबंधन को रोकने के लिए। सर, CBI का कोर्ट बीजेपी का उपयोग करने का आरोप लगाया है गठबंधन को रोकने के लिए, बीजेपी CBI का उपयोग कर रही है। बीजेपी ने कभी भी किसी भी, चाहे वो खुफिया तंत्र की एजेंसी रही हो, किसी अन्य सरकारी एजेंसी रही हो, किसी का दुरुपयोग नहीं किया है। दुरुपयोग करने के अभ्यस्त और महारत हासिल करने वाले जो शोधार्थी थे वो पिछली सरकारों के अनुभवी लोग हैं जो आज इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। सर, भाजपा गौतम जी अभी उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि भाजपा में बदलाव का समय आ गया है। मुझे उनकी जानकारी बयान की नहीं है और भाजपा में ही एक बदलाव रहा है कि जिसमें भाजपा का सबसे बड़ा ये दूसरों के लिए प्रेरणा है कि जिसमें वरिष्ठ लोगों का और युवाओं दोनों का समागम है। नए चेहरे कब होते हैं? कांग्रेस में आप जाओ अभी आप पूछ के देखो अगला अध्यक्ष कौन होगा। जाहिर सी बात है, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, फिर इंदिरा जी होंगी, फिर पूछो कौन होगा, कहीं राजीव जी होंगे, फिर पूछो कौन होगा, सोनिया जी होंगे, फिर पूछो कौन होंगे, राहुल जी होंगे, आप पूछो कौन होंगे, उसके बाद जो और होंगे तो होंगे। उसी तरीके से सपा में पूछो अगला अध्यक्ष कौन होगा, आदरणीय मुलायम सिंह जी होंगे, आदरणीय अखिलेश जी होंगे, उसके बाद कोई होगा, उनके घर का कोई होगा। बीजेपी में पूछोगे अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो आज आपके पास भी एक नाम दिखाई नहीं पड़ेगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई ना कोई कार्यकर्ता हो, इसका जवाब ये होगा कोई ना कोई कार्यकर्ता हो। यही बदलाव है राजनीति में, लोकतांत्रिक पार्टियों में सबसे बड़ा बदलाव किसी ने किया है कि शुचिता और पारदर्शिता में भारतीय जनता पार्टी के साथ में विचार कर रही है किसी के साथ कोई सरकार की भावना नहीं करती। आपने न्योता दिया था, आपने न्योता स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं, नहीं
हमारे साथ प्रश्न पूछा था किसी ने, नहीं आप लोग सर आपकी अध्यक्षता में, आपकी अध्यक्षता में सर कुंभ है ना, कुंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को किसी जाति धर्म के बगैर, हम लोग जहाँ भी जाते थे जब प्रतिपक्ष को भी देते हैं, धर्म गुरुओं को भी देते हैं, व्यवसायियों को भी देते हैं, जब को भी देते हैं, जो आएगा देश विदेश के 192 देश से सब उगा रहे हैं, और मैं कहूँगा जो आएगा उसका स्वागत है। कुंभ केवल सरकार का नहीं है, कुंभ धर्माचार्यों का है और ये हमारा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का है, जो भी उसमें मानने जाता है उसका स्वागत है। राहुल गांधी स्वागत है, वो हमारे फिर तो सर आपकी पार्टी के एक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी कहा है कि पाकिस्तान से भी जो हिंदू इलाहाबाद आएंगे कुंभ में आएंगे उनको भी सरकार पूरी मदद करेगी, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं करेंगे, जो भी पूरी दुनिया के